नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कुक शो में। आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा करारा सा तड़के के साथ आलू की कचौड़ी बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए इसकी रेसिपी पे आते हैं। आलू कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आटे का और मैदे का डो बनाएंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों साथ में ले लिया है। आटा मेरा 200 ग्राम और मैदा मेरा 100 ग्राम है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने अजवाइन और मंगरेला का मिक्सअप लिया है। इसको क्या करेंगे, हाथ पे इस तरह से लेंगे और इस तरीके से हम लोग कूट लेंगे। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगा ना, इससे फ्रेगनेंस हमारा इसका अजवाइन का मंगरेला का काफ़ी बढ़िया आता है क्रश करने से। डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून या फिर अपने आप स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। पानी डालने से पहले हम इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से मिला लेंगे। हमें ऐसा मिलाना है कि हमारा सारा जो है मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने हाफ बाउल अभी पानी डाला है। ऐसे अच्छे से मिलाकर आटे को गूंद लेंगे। हमें यहाँ पे सेमी हार्ड डो बना लेना है इसके आटे के लिए, तभी आपकी ये कचौड़ी फूल पाएगी। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और गुनेंगे। आप देख सकते हैं कि एक बॉल पानी डालने के बाद भी हमारा आटा अभी गुना नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी दे देकर इसी तरीके से गूंद कर हम लोग एक सेमी हार्ड डो बना लेंगे। हमारा यहाँ पे आटा और मैदे का देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है, फिर इस डो को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ढक देंगे और इसको सेट होने के लिए अलग रख लेंगे। अगर आपके पास सूती कपड़ा है तो आप उसे भी ढककर छोड़ सकते हो। 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है जिसको कि मैंने इसको मीडियम आँच पे एकदम जीरो पे इसको गर्म कर रहा हूँ। मेरा गर्म भी हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, देखिए ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तेल हमारा एकदम कम्प्लीट गर्म हो गया है। मेक श्योर कि आपका तेल एकदम हॉट होना चाहिए। तब हम इसमें डालेंगे देखिए रेड चिली 2-3 पीस। देखिए डालते ही हमारा ये क्या हो गया, चटकने लगा है ऐसे दोनों तरफ हमको। देखिए जब मैंने इसको पलटा है तो ये देखिए थोड़ा सा लाल हो गया है। लाल तो मेरा मिर्च है ही, लेकिन हमें थोड़ा सा और लाल कर देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हमारा रेड जो मिर्च था वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो गया है, मतलब ये हमारा भुन गया है। तो हम गैस को यहाँ पे फ्लेम तो मेरा कम है ही और कम कर देंगे और इसे हम लोग निकाल लेंगे। मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम लोग उसी पैन में, मेरा तेल भी गर्म है, उसी पैन में क्या करेंगे, ये जो मेरा जीरा है इसको डाल देंगे साइड में, लहसुन देखिए बारीक कटा हुआ, साथ ही साथ हमारा यह ग्रीन चिली ऐसे मिला लेंगे। इसे करीब हम लोग 45 से 50 सेकंड के लिए इसको हम लोग पकाएंगे। आपको यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है। 50 सेकंड कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े वाले साइज के प्याज लिया है, ऐसे मैंने फाइनली चॉप करके। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब आगे क्या करना है, देखिए एक तरफ हमारा ये भुना हुआ प्याज, भुना हुआ हमारा लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने नमक लिया है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने करीब 1/2 टीस्पून नमक लिया है इसको, और ये हमारा नमक देखिए। देखो क्या करना, दोनों को मिलाकर इस तरीके से चूर कर लेना है। देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, नमक और हमारा रेड चिली। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप की बारी, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे उबले हुए 5 आलू लिए हैं, इसको क्या करना है आपको, मैश करना है। आप तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे हाफ मैश किया है। अब हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पहले बनाया था, ये हमारा लाल मिर्च और नमक, ये हमारा प्याज भुने हुए, दोनों को बारी बारी से इस आलू में हम लोग डाल देंगे। तो ये हमारा नमक और रेड चिली, दोनों को मैंने अच्छे से डाल दिया है। साथ ही साथ हम कैसे भूल सकते हैं हमारा ये धनिया का पत्ता, काफ़ी बढ़िया खुशबू आती है धनिया का पत्ता डालने के बाद। अब इसे हम लोग
हाथ के थ्रू इसे अच्छे से मिला लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। अगर लगे कि नहीं हमारा आलू में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप इसमें सत्तू, बेसन या फिर सूजी डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। हमारा सब कुछ सेटअप हो गया है, हमारा आटा भी सेट हो गया है, हमारा उसके लिए मसाला भी हम लोग बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी लोई बना लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े साइज की लोई बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम आकार का बनाऊंगा, तो चलिए बनाते हैं। देखिए ए साइज का। इसी तरीके से हम लोग सारे लोई इस तरीके से बना लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लोई बना ली है। आपको क्या करना है, पहले एक लोई लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको रोल करेंगे हल्के हाथों से। रोल करने के बाद आप इसको इस तरीके से प्रेस करना, देखो अपने हाथों से चारों तरफ प्रेस करने के बाद, उसके बाद फिर ये देखो ये आपका दो अंगूठा देख रहे हो ना आप, इसको इस तरीके से आपको बीच में करते हुए चारों तरफ इसको घुमाते रहना है। देखिए इस तरीके से आप घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बीच में आपका गड्ढा बन जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कटोरी सेप का यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने एक छोटी सी लोई ली है, इस लोई को इसमें हम लोग रखेंगे इस तरीके से और प्रेस करेंगे। या फिर आप क्या करोगे, आप तो ऐसे भी रख के प्रेस कर सकते हो, या फिर ये देखो ये जब फिंगर है ना आपको इस तरीके से इसमें रखना है, इस तरीके से आपको क्या करना है प्रेस करते जाना है। ये देखिए एकदम, तो ये जब आप प्रेस करोगे ना तो ये देखो जो आपका आटे का जो लोई है वो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर आएगा। आप करके देखना एकदम पक्का आएगा आपका। ये देखिए बनने के बाद इसको फिर क्या करना है, आपको चारों तरफ से इस तरीके से रोल कर देना है कि मेरा ये बंद हो जाए। देखिए इस तरीके से करते करते ये मेरा बंद हो गया और ये ऊपर का एक कोना बन गया है। इस कोने को क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से, कस के नहीं हल्के हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम थोड़ा इसे बड़ा बनाएंगे। तो ये देखो आपका जो साइड का कोना है ना आपको इस तरीके से प्रेस करते जाना है। ये देखिए मैंने पतला कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका अंगूठा है ये देखो इसको इस तरीके से आपको बीच में इस तरीके से आपको गड्ढा बना लेना है चारों तरफ बीच में। इससे क्या होगा, आपकी कचौड़ी है ना एकदम फूल जाएगी, एकदम फूली कचौड़ी एकदम बनेगी। तो इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से ये जो हमारी सारी लोई है फिल करके इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे बेल लिया है, और देखिए एक तरफ मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है गैस पे, तेल मेरा गर्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ये देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे, काफ़ी केयरफुल्ली आपको डालना है। देखिए मैंने अच्छे से चारों तरफ डाल लिया है। फिर आपको क्या करना है, तेल लेना है और इस सब के ऊपर जहाँ पे नहीं है उसके ऊपर तेल का छिड़काव कर देना है। देखिए इस तरीके से इसको पकाना है। चलिए थोड़ा देर पकने के बाद आप देखोगे जब हल्का सा ऊपर आपका लाइट ब्राउनिश कलर का हो जाए तो आप इसे हमें पलट देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया कलर हमारा आया है, जो हमारा कचौड़ी है ये फूलने भी लगा है। देखिए हमारा कचौड़ी अब देखिए सुनहरे कलर का हो गया है, तो इसे हम लोग अब निकाल लेंगे। इसे पकने में करीब हमारा 2 से 2.5 मिनट लगा है। तो चलिए हम वन बाय वन करके सारे कचौड़ी को निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये कचौड़ी फूला है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आलू की कचौड़ी बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका पफनेस और साथ ही इसका टेक्सचर एकदम काफ़ी बढ़िया आया है। तो इस पर हम क्या करेंगे, फाइनली थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, अगर आप चाहो तो दे भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी देना है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा एक हमारा ग्रीन चिली, इसे आप टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि यह है इतना टेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। साथ ही साथ एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।